अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं या टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपने टिकटॉक पे ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा जहां पर सेलिब्रिटी का पीछे वॉल पे फोटो आ जाता है। आप दोस्तों सेलिब्रिटी फोटो लगा सकते हैं या दोस्तों आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं, किसी फैमिली का फोटो लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड का भी फोटो लगा सकते हैं अपने वॉल पे। इस वीडियो में आपको इस वीडियो को एडिटिंग दूंगा किस तरह ये वाला वीडियो एडिट किया जाता है ताकि दोस्तों आप भी एडिट कर सकें, क्योंकि टिकटॉक पर ऐसे वीडियो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, बहुत जल्दी फेमस होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं ये वाला वीडियो किस तरह एडिट किया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत प्रताप और आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एडिटिंग आपको सिखा देते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम अपने मोबाइल पे आ गए। सबसे पहले आपको टिकटॉक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। अब हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। पहले देखा सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है आपको। तो वीडियो किस तरह रिकॉर्ड करना है, हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, हम आपको दिखा देते हैं ना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है और बैकग्राउंड देख लीजिए दोस्तों वाइट है। अगर आपके पास कोई दूसरा बैकग्राउंड है जैसे कि रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो तो चल सकता है, एक ही कलर का होना चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वाइट है तो हम वाइट वाले बैकग्राउंड के साथ बनाएंगे। जब आपका वीडियो बन जाए टिकटॉक पर उसके बाद आप प्राइवेट मोड पर उसे पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने मेमोरी कार्ड में या गैलरी में ना। दोस्तों अब आपको करना क्या है, कैनवास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का सिंबल है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और रेशियो सेलेक्ट करते हैं 9:16। ये वाला रेशियो मोबाइल का रेशियो होता है ना। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं एक मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया पर आपको क्लिक कर देना है। आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था टिकटॉक पर डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर इम्पोर्ट अभी नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो फोटो को इंपोर्ट करना है जो आप पीछे बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड का फोटो लगाना चाहते हैं या आप किसी का फोटो अपने बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो उसका पहले फ़ोटो इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ़ोटो हमने डाउनलोड किया है तो इसे हम कर लेते हैं इम्पोर्ट टिक करके और यहाँ पर टिक कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो आ गया है। इस फोटो का जो साइज़ अभी कम है तो यहाँ से हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जितना वीडियो लंबा रहे उतना फ़ोटो भी साइज हो ना। दोस्तों यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं मीडिया का। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का मोबाइल में मीडिया का ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ पर इमेज का ऑप्शन शो होता है। अगर आपका मोबाइल ओल्ड वर्जन का है, पुराना वर्जन का है तो आपको अपडेट कर लेना है अपने मोबाइल को, नहीं तो दोस्तों आप दूसरे मोबाइल में ट्राई करिए, जो लेटेस्ट मोबाइल आता है उसमें ट्राई करिएगा तो ये मीडिया का ऑप्शन आपके मोबाइल में रहेगा, वरना दोस्तों आपके मोबाइल में इमेज का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पर हम मीडिया पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें उस वीडियो को इम्पोर्ट करना है जो वीडियो टिकटॉक में बनाया था उसके बाद डाउनलोड किया था प्राइवेट मोड करके ना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ओके हम यहाँ पर कर देते हैं, पहले ये करते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं वीडियो आ गया। इसको हम घुमा लेते हैं, उसके नीचे कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर नीचे शो होना चाहिए। इसको थोड़ा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, जो साइज़ है वीडियो का थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना। दोस्तों परफेक्ट हो गया है, थोड़ा और कर लेते हैं, ओके यहाँ पर हम टिक पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और कर लेते हैं, यहाँ नीचे की तरह थोड़ा जनाई दे रहा है, यहाँ पर टिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वाइट है, हमें इसको हटाना है। अगर आपके ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, येलो कलर का हो, तब भी दोस्तों आप हटा सकते हैं ना। दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है क्रोमा की, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब इसको इनेबल कर देते हैं और नीचे देख सकते हैं कलर की, आपका जो बैकग्राउंड कलर का है जैसे कि मान लीजिए रेड कलर का है या येलो कलर का है या वाइट कलर का है तो यहाँ पर आप शेयर कर लीजिए। जैसे कि हमारा वाइट है तो हम यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका रेड हो तो रेड शेयर करिए, ग्रीन हो ग्रीन करिए, जो आपका कलर हो वही शेयर करिएगा। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज का कुछ ऑप्शन है, इसे कुछ इंक्रीज करना है, कुछ घटाना बढ़ाना है ताकि एडजस्ट हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो नहीं आ रहा है तो इसे एडजस्ट करने के बाद वीडियो आ जाएगा ना। दोस्तों हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का आ रहा है, इसे यहाँ कर लेते हैं परफेक्ट, ओके परफेक्ट वीडियो सेट हो गया है। अब यहाँ पर टिक कर लेते हैं। अब हम वीडियो को प्ले करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखिएगा वीडियो 100% परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं ना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट वीडियो बना है। इसी तरह दोस्तों किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगा सकते हैं, अपना भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, किसी का फोटो लगा सकते हैं, फैमिली का या फ्रेंड का, किसी का फोटो आप आसानी लगा सकते हैं और टिकटॉक पर पोस्ट कर सकते हैं। अब वीडियो को सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, ये वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा।